हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमक समक और मैं हूँ पिया अरोड़ा। आज हम बनाएंगे अमृतसरी पनीर भुर्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप कुलचे, रोटी, पूरी या ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। चलिए बनाते हैं। अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे 2 चम्मच ऑयल के। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर। ऐसा करने से बटर हमारा जलेगा नहीं बिल्कुल भी। फ्लेम को मैंने लो फ्लेम पर रखा हुआ है। इसमें हम डाल देंगे करीब 1 चम्मच के बेसन और इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। इसमें मैंने डाल दिए हैं बारीक कटे हुए टमाटोस, जिंजर, ग्रीन चिली। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली, टर्मरिक पाउडर। थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए ब्लैक पेपर। फ्लेम को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। थोड़ा सा गरम मसाला, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेड पनीर या फिर कह लीजिए क्रश्ड पनीर। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम ग्रीन धनिया, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा भुर्जी में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम फिर से 1/4 कप पानी का डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर को और भी अच्छा करने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ कसूरी मेथी, और इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी अमूल क्रीम। आप मलाई भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी पनीर भुर्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, देखने में ही पनीर भुर्जी कितनी अच्छी लग रही है। ये लीजिए, हमारी अमृतसरी पनीर भुर्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर बनाइए और मज़े से खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू रेसिपी। टिल देन, बाय बाय।